सभी को जय हिंद जय भारत। बहुत खुशी की बात है कि अभिषेक वर्मा जिसने की सुपर एक्सीलेंट मारी थी, 10 बीम मारी थी, वो आखिरकार ग्राउंड फिट हो गया है और ये बहुत खुशी की बात है। और इस वीडियो में आपको बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है, जिन डॉक्यूमेंट की वजह से आपको बाहर निकाला जा रहा है, मेडिकल कब होता है और मेडिकल में क्या क्या होता है, एक्सीलेंट मारने के क्या फायदे हैं और गुड में आने के क्या फायदे हैं। क्योंकि टीए के जो रूल हैं वो हमें तभी समझ में आते हैं जब हम भर्ती देखने जाते हैं या भर्ती कोई देखा हुआ बंदा हो और वो आपको इसकी पूरी डिटेल दे। क्योंकि अभी जैसे जैसे अग्निवीर में चेंजमेंट हुआ वैसे वैसे ही जो है टीए में चेंजमेंट हुआ है। तो टीए की शुरुआत में आपको बता देते हैं, डॉक्यूमेंट संबंधी आपको क्लियर कर देते हैं। डॉक्यूमेंट का वीडियो, डॉक्यूमेंट सहित मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाल रखा है, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन उससे पहले जो मुख्य जानकारी है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, सबसे पहली चीज तो ये डॉक्यूमेंट जो जो आपको बताए जाते हैं वो कंप्लीट, चाहे आपका सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट हो चाहे आपका स्टेट का हो, वो दोनों आप लेके जाइए। पुलिस वेरिफिकेशन ले जाना बहुत ही आवश्यक है, वरना आपको किसी प्रकार का कोई टाइम नहीं दिया जाएगा और बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि आर्मी का रूल जो स्टार्ट होता है वो टीए जितना सख्त कहीं नहीं है। टीए में डिसिप्लिन होना चाहिए, तो मतलब होना ही चाहिए। उनका मानना यह है कि अगर आप शुरुआत में ही इतनी लच्चर तरीके से चल रहे हैं, फोटोज आपको बता दूं 40 की बजाय आप 60 फोटो साथ में लेके जाइए। जो जो बच्चे जो भर्ती देखने गए उनसे आप पूछ लें, 60 फोटो के लगभग आपकी लग जाएगी। अगर रेफर लग गए तो पूरी 60 तक जाएगी। तो इन चीजों का आप ख्याल रखें। दूसरा आपको बताते हैं कि बैच किस प्रकार बनते हैं। पहले दिन जब बैच थे तो कई बैच 300 के थे, कई बैच 400 के भी थे। तो इनमें आपको बता दूं, जो 400 का बैच है उस एक बैच में 56 बच्चों को पकड़ा गया था। एक बैच जो 300 का था उसके अंदर 16 बंदों को पकड़ा गया था। टाइमिंग जो है आपको बता दूं 5:33 से 5:30 तक दिया जा रहा है। अब बच्चे दौड़ में ही नहीं आ पा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी कमी है हमारी प्रैक्टिस। हम घर पे पड़े पड़े सोचते रहते हैं लेकिन हमें मेहनत करने से डर लगता है। तो सबसे पहला अगर भर्ती होना है, टीए की फिर वैकेंसी आ सकती है, तो अपनी जो फिटनेस है वो फिट रखें और अपनी रेस का बिल्कुल ध्यान रखें। प्रॉपर आप मेहनत करते रहें, आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा। आगे अगर बात कर ले मेडिकल की, तो मेडिकल बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो जो चीजें आपकी परफेक्ट है उनमें किसी प्रकार का कोई पॉइंट नहीं दिया जा रहा है। जिनमें आप परफेक्ट नहीं है उनमें आपको पॉइंट दिया जा रहा है। कई बच्चे कॉल कर रहे हैं कि सर हमने गुड मारा था लेकिन हमारे नंबर जो है 40 जोड़े गए, 6 बीम ही काउंट होती है, उससे ऊपर नहीं होती है। तो उनका वो पर्सनल व्यक्तिगत है या फिर रूल के अकॉर्डिंग कोई ऐसा सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाते हैं, 6 बीम और 40 आपके रेस के हो जाते हैं। और जो एक्सीलेंट मारा हुआ बंदा है उसको पूरी 10 बीम के नंबर मिल रहे हैं, पूरे नंबर मिल रहे हैं, 100 out of 100 मिल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप गुड में रहते हैं तो उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। कई बैच जो हैं आज जैसे 100-100 के बैच बनाए जा रहे हैं, 150 के बैच बनाए जा रहे हैं, उनमें 5-6 बंदों को पकड़ा जा रहा है लेकिन टाइमिंग जो है वही 5:33, 5:30 के लगभग दी जा रही है। लेकिन घर पे आप अकेले अगर दौड़ कर रहे हो तो उसमें आपकी टाइमिंग भले ही कुछ भी हो, लेकिन जब मैदान में जब रेस करने वाले घोड़ों के साथ दौड़ा जाता है तो उन्हें क्रॉस करने में बहुत टाइम लग जाता है और हमें लगता है कि मेरा टाइम 5:10 था, फिर मैं रेस में क्यों नहीं आया। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चों को क्रॉस करने की जो कला है, जो पहला राउंड होता है उसमें भीड़ रहती है 150 के बीच में भी, उन बच्चों में अगर पीछे नंबर आ गया तो उनमें भी क्रॉस करके आगे जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ये सारे गुर सारी प्रैक्टिस आपके अंदर होती है, तो आप 100% श्योर हैं, आप हमें 100% क्लियर करोगे टीए की रेस हो चाहे फिर आर्मी की रेस हो। और फिजिकल की अगर आप मेहनत करने की हिम्मत रखते हैं तो फिजिकल के मामले में मैं 100% कहता हूं, चाहे आप घर पे मेहनत करते हो, एकेडमी में मेहनत करते हो, अगर आप दिल से करते हो तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर दौड़ते वक्त आपके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं मैं अपने पिताजी के लिए कर रहा हूं, मेरा ये सपना है, मेरे फादर का सपना है, मेरी मदर का सपना है, मेरी सिस्टर के लिए दौड़ रहा हूं, मैं गांव में नाम पाने के लिए दौड़ रहा हूं, मैं अपने समाज में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए रेस कर रहा हूं, तो कभी आपकी रेस नहीं निकले। माइंड में एक चीज होनी चाहिए, मुझे रेस क्लियर करनी है, 5 मिनट में मैं मरने वाला नहीं हूं, और पूरी दबा के आपको मेहनत करनी है। साल भर हो चाहे 6 महीने हो, 3 महीने हो, 3 महीने मैक्सिमम आप लगातार दबा के अगर फिट हो जाते हैं तो उसके बाद 3 महीने मेहनत कर लीजिए, 100% आप गारंटी से रिजल्ट दोगे। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पहले घर पे रनिंग करते थे, फिर एकेडमी आके 1 महीने 2 महीने 3 महीने भी रहे तो उनकी रेस निकली है। बहुत से एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, आप वीडियो भी देख सकते हैं उन बच्चों के। तो सारी की सारी जो चीजें हैं वो हमें ही करनी होती है। हम जब परफेक्ट होंगे तो 100% हमारी रेस होगी। और आपको बता दूं कि पूरी जानकारी का वीडियो मेरा बनाया हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां आप देख सकते हो। और मेडिकल के वक्त आप बिल्कुल भी ना घबराएं, जैसा वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे वैसे आप करते जाएं, जैसा वो करने को कहते हैं, बोलने को कहते हैं वैसा करें। ये टेंशन बिल्कुल पहले ना लें रेस के कि मेडिकल कैसे होगा, मेरी रेस कैसे होगी। पहला टारगेट फिक्स रखें, मेरी रेस है और फिजिकल है, डॉक्यूमेंट है, उसके बाद मेडिकल आएगा, मेडिकल में जो होगा देखा जाएगा।
लेकिन दौड़ से पहले ही हम टेंशन ले लेते हैं और दौड़ ही नहीं हो पाती, तो इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। पेज कितने का बनेगा ये टेंशन, मेडिकल कितने बच्चों का एक साथ होगा ये टेंशन। टेंशन लेनी है तो सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट की लें, अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखें, और डॉक्यूमेंट मैंने जो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं उसमें पूरे डॉक्यूमेंट बताए हुए हैं, आप बिल्कुल साथ में कैरी करके लेके जाएं, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। उम्मीद करता हूं आगामी भर्तियों में आपका भी सिलेक्शन हो।